हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज हम आप लोगों को एडोब फोटोशॉप बीटा में बताएंगे कैसे आप लोग एआई टूल की मदद से कार्टून टाइप की पोस्टर बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी एडोब फोटोशॉप बीटा में कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज बनाएंगे, यहाँ पर न्यू पे जाएंगे हम और एक न्यू पेज बना लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखिए प्रीसेट डिटेल है, तो यहाँ पर हम 9020 पिक्सल और यहाँ पर 1080 पिक्सल का साइज ले लेंगे। आपको जो भी साइज लेना है ले सकते हैं, हम इसी साइज पर अभी काम कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ से कलर प्रोफाइल sRGB रखेंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा देखिए पेज ये क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इस पर ही काम करना है, जो कि एआई टूल की मदद से हमको पोस्टर टाइप कार्टून टाइप का पोस्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसके बाद हमको इस पूरे पेज को सिलेक्शन करना है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लेंगे या कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टूल बार में रेक्टेंगुलर टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और पूरे पेज पर हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर पूरे पेज का सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जेनरेटिव फिल टूल आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या तो आप एडिट मेनू में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जेनरेटिव फिल टूल है, यहाँ पे भी है। आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको जहाँ से सुविधा हो कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहीं से यूज करते हैं। तो हमको पहले एक जंगल लेकर आना है, तो एआई टूल की मदद से हम बनाएंगे। तो देखिए इस जेनरेटिव फिल में हम टाइप करेंगे एड मैजिकल फॉरेस्ट, एड मैजिकल फॉरेस्ट यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट में और यहाँ से हम जनरेट करेंगे। तो ये जनरेट करने के बाद थोड़ा समय लेगा, ये आपके इंटरनेट के ऊपर निर्भर करता है, जितना फास्ट इंटरनेट है उतना तेज़ी से काम करता है, क्योंकि यह इंटरनेट के माध्यम से ही एआई टूल काम करता है। तो आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो थोड़ा प्रोसेस होने में समय लगता है। यहाँ पर अभी आपके सामने आएगा, तो देख सकते हैं हमारे पास ये जंगल आ गया एआई टूल की मदद से। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो भी आपको एआई टूल की मदद से नए नए जो पेज आएंगे, यहाँ पे तीन आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं तीन यहाँ पर जंगल आ गए। आपको अगर ये तीनों नहीं पसंद होगा तो आप यहाँ से जनरेट फिर दोबारा करेंगे तो फिर से दोबारा आ जाएगा। आपको जितनी बार आप ट्राई करेंगे जनरेट यहाँ पर, तो तीन तीन आपके पास सामने इमेज बनकर आएगी। तो इसमें से आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो दूसरा लेकर आना चाहें तो यहाँ से जनरेट फिर करेंगे तो फिर से तीन और आ जाएगा। हम चलिए करके देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा समय लगा फिर से प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से दोबारा तीन इमेज आ गई, देख सकते हैं यहाँ पे तीन इमेज और है, ये है। तो इसमें से आपको जो भी यूज करना है कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक और काम करेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल आ जाए, तो यहाँ पे मैजिकल पुल लगाना चाहते हैं तो मैजिकल पुल भी लगा सकते हैं। तो हमको जितना भाग में लगाना होगा उसको सिलेक्शन करना होगा, तो हम इसी पेज पे काम करते हैं फिलहाल। तो इतना हम सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे फिर से जेनरेटिव फिल में एड मैजिकल ब्रिज और यहाँ से जनरेट करेंगे हम। तो जनरेट करने के बाद फिर वही थोड़ा प्रोसेस में समय लगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ब्रिज बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे तीन ब्रिज आ गई बन के। तो अगर आप लोगों को ये भी नहीं पसंद होगा तो आप यहाँ से फिर से दोबारा जेनरेटिव फिल टूल करके तीन और ब्रिज यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ से जेनरेटिव करेंगे। तो हम चलिए इसी को रखते हैं फिलहाल, और आप लोगों को करना हो तो कर सकते हैं। तो हम अब इसमें इतना करने के बाद हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे एक जंगली बिल्ली आ जाए या जंगली डॉग, तो उसको भी हमको ऐड करना है। तो ये लासर टूल यहाँ से हम लगे और जहाँ लगाना होगा आपको सिलेक्शन बनाना होगा। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे लगाना है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन बना लेंगे इसका। सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम टाइप करेंगे जेनरेटिव फिल टूल में एड
मैजिकल डॉग, मैजिकल डॉग टॉय यहाँ पर टाइप करेंगे हम। अब यहाँ से हम जनरेट कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये मैजिकल डॉग बन के आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास तीन डॉग हैं, तो हमको ये डॉग सही लग रहा है, मैजिकल डॉग है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके ऊपर है जितना क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, AI टूल की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, बटरफ्लाई लेकर आते हैं मैजिकल। तो हमको सिलेक्शन बनाना होगा, जितना जहाँ जहाँ आपको बटरफ्लाई लगाना हो इस तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, और लासो टूल की मदद से। और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, और चलिए यहाँ पे एक कर देते हैं हमने। चलिए यार इतना सिलेक्शन बना लिया, अब हमको यहाँ पे टाइप करना होगा फिर से ऐड मैजिकल बटरफ्लाई करने के बाद यहाँ से जनरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई हमारी आ गई है। अब मान लीजिए हमको ये पसंद, देखिए ये कितना खूबसूरत बटरफ्लाई यहाँ पर आई हुई है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको देखिए, ये कितना खूबसूरत है बटरफ्लाई। तो यहाँ पे तीन है हमारे पास इमेज बटरफ्लाई की, आप इसमें से यूज कर सकते हैं इस तरीके से बनाकर। तो इस तरीके से आप लोग AI टूल की मदद से कार्टून टाइप का पोस्टर बना सकते हैं आप जैसा चाहें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी साथ में करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हमारी देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।